नमस्कार दोस्तों, मैं एक और आपके सामने वीडियो लेकर आ गया, वो भी हैंडल बार का ही है। ये हैंडल बार दोस्तों मैंने आपको पहले दिखाया था, ये हार्ले स्टाइल हैंडल बार है। ये काफ़ी वाइड था तो इसको कम करने के लिए मैंने इसको थोड़ा छोटा करवाया है कि जिससे इसकी जो वेट है वो थोड़ी कम हो जाए। तो मैंने इसको बीच में से पहले ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से और यहाँ से कटवाया इसको, और अब इसको मैं बेल्ट करा रहा हूँ। थोड़ा और इसमें कस्टमाइजेशन करूँगा जिससे कि इस पर एक माउंट भी लगवाने जा रहा हूँ मैं, से कोई मोबाइल या कोई भी चीज़ उस पर हम माउंट कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ाता हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप बने रहिए। दोस्तों ये होते हैं देखिए बोल्ट, ये स्टेनलेस स्टील बोल्ट है, बहुत महंगा बोल्ट है, SS जैसे बोलते हैं। और ये जो है दोस्तों ये साधारण बोल्ट है, जो 10-15 रुपए का एक बोल्ट है। हाँ, इनमें ये भी अंतर है देखिए दोस्तों, इसमें हाफ चूड़ियाँ नहीं है, ये पूरी चूड़ियाँ हैं। वो खैर इसमें भी आता है, कोई वैसी बात नहीं, तो मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ कि ये जो बोल्ट है ये ऐसे ही है, बिल्कुल साधारण बोल्ट, और ये स्टेनलेस स्टील है। तो बस दोस्तों आपको दिखा रहा था मैं कि मैंने ये कॉन्टिनेंटल GT में यही बोल्ट से यूज़ किए हैं, और ये बहुत बेस्ट बोल्ट होते हैं, टूट नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, बने रहिए, मैं आगे का पार्ट और दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों वेल्डिंग के बाद ये हैंडल मैंने इसमें फिट भी कर लिया है, थोड़ा आपको दिखा दे रहा हूँ। मैंने अभी इसमें कोई भी इसकी ग्राइंडिंग हुई है, बस ये जो जॉइंट्स होते हैं ये तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, पर अभी मैंने इसकी बफिंग नहीं कराई है। ये स्टील बफिंग होती है, इसका एक अलग कारीगर होता है, तो वो मुझे अभी मिला नहीं है। पर मैंने कहा पहले मैं ट्राई तो कर लूँ, इसमें और पैसा इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये हैंडल मुझे 1100 रुपये का पड़ा था, और अब मैंने इसमें ये जो मॉडिफिकेशन करवाया हैंडल में, थोड़ा छोटा करवाया है, शॉर्ट करवाया है, बड़ा चलाने में मुझे लग रहा है काफ़ी आराम आने वाला है। इसमें ये काफ़ी पुल बैक पोजिशन हो गई है, ये मतलब सीट के काफ़ी नज़दीक ये जो इसकी ग्रिप है आ रही है, मैंने ऐसे ही बैठ कर देख लिया है। तो ये अभी फिनिशिंग आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ ये जॉइंट जो है बेल्ट करवाना हुआ है। तो अभी मैं किसी भी तरह से किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस तरह से कोई अपना हैंडल कटवा कर उसको बेल्ट करवाए, क्योंकि मैं पहले इसको टेस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं अपना इस पर कोई ओपिनियन दूंगा। इसलिए अभी आप कुछ भी मत कीजिएगा, जो कंपनी से आया है वही अच्छा रहता है, या फिर कोई और जो कंपनी का हो। तो इसमें मजबूती के लिए दोस्तों देखिए, एक मैंने ये रॉड यहाँ से यहाँ तक बेल्ट करवाई है जिससे कि मेरा मोबाइल माउंट भी हो जाए, और प्लस ये जो यहाँ से जो जॉइंट था इसको मजबूती देने के लिए, प्लस मैंने ये दो छोटे छोटे ये भी बेल्ट करवाए हैं जिससे कि इसमें काफ़ी मजबूती आ जाए। तो अब ये तो चलाकर पता चलेगा दोस्तों इसमें वाइब्रेशन है या नहीं, और ये कितना सॉलिड है, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, स्टील बेल्डिंग है। तो पहली बार करवाइए, देखते हैं दोस्तों। अब ये थोड़ा सा आप और एक बार देख लीजिए, ये मेरा मोबाइल माउंट इस पर हो गया है, मोबाइल का होल्डर जो है ये स्टील का, मैं आपको पहले रिव्यू कर चुका हूँ। आप ये यहाँ से मैंने इस तरफ रखा है, ये वर्टिकल ही लग पाएगा इस पोजिशन में दोस्तों, अगर हॉरिजॉन्टल लगाना है तो इसको यूँ ये वाला बोल्ट यूज़ करके इसको ऐसे घुमाना होगा, तो ये वर्टिकल पोजीशन में लग जाए, वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लग जाएगा दोस्तों। तो ये थोड़ा सा और ढीला करना पड़ेगा दोस्तों, और थोड़ा सा ढीला करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। अगर ये मेरा हैंडल बार दोस्तों सक्सेसफुल हो जाए हर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुझे चाहिए वो चीज़, तो बड़ा सुकून मिलेगा मुझे, क्योंकि काफ़ी हैंडल बार मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, मेरा काफ़ी पैसा इन्वेस्ट हो गया हैंडल बार्स में ही, और 2-3 हैंडल बार अभी भी मेरे पास फालतू रखे हुए हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये हैंडल बार जो मैंने कस्टमाइज़ करवाया है, ये अकेला हैंडल बार नहीं है, इसमें जो बजाज बॉक्सर वाला है उसको भी कटवा के मैंने इसमें लगवाया, तब ये सेटिंग बन पाई है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा एक हाथ से बन नहीं रही, पर मैं आपको दूर से दिखाया, ऐसी पोजीशन आएगी दोस्तों। एक बात ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर से नए नॉर्म्स आ गए हैं गवर्नमेंट के, आप मोबाइल नेविगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं कार में, बट आपका वो इस तरीके से माउंट हो, या अब इसके ऊपर कुछ गाइडलाइन मुझे अभी पूरी नहीं मालूम, पर ऐसा होना चाहिए कि आपकी ड्राइविंग उससे डिस्टर्ब ना हो,
ड्राइविंग डिस्टर्ब होगी तो जो पहले से जुर्माना था 5,000 रुपये मोबाइल पे बात करते हुए ड्राइविंग करना या वो सब, वो एज इट इज़ है। नमस्कार दोस्तों, मैंने ये हैंडल माउंट लगाया है इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आज देखते हैं रोड पर चलाकर क्या ये गिरता है या लगा रहता है और आपको कैसा व्यू इसका आता है। चलिए दोस्तों, और कई मेरे दोस्तों की कई दिनों से डिमांड थी कि सर आप इसका वीडियो तो बनाते नहीं, कभी बस खड़े खड़े आप इसमें रहते हैं, कभी चलाया भी कीजिए। तो आज मैं आपके सामने ये चलाकर भी दिखा रहा हूँ। तो देखते हैं दोस्तों ये हैंडल माउंट सक्सेसफुल होता है कि नहीं और कैसा व्यू आता है। बने रहिए दोस्तों, आज मेरे पास हेडफोन नहीं है तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। दोस्तों मैं अपना वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए मेहनत की है मैंने, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, अगले वीडियो तक के लिए बाय।